हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं इसी क्रोमेटिक स्केल को कंटिन्यू करता हूँ जो मैंने आपको सिखाया था। मेजर स्केल फॉर्मूला से आपको पूरी स्केल निकालना है, ठीक है? तो मैंने आपको सी और सी शार्प निकाल के आपको बता दिया था, और आप लोग ने प्रैक्टिस अपनी किया कि नहीं किया? तो आपने अगर नहीं किया है तो उसको प्रैक्टिस में लेके आइए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक में प्रैक्टिस ही मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमने कहा आपने सुन लिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? और प्रैक्टिस कर करके ही याद होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है स्टडी की कि आप उसको रट्टा मार लो आपको याद रहेगा, ठीक है? तो आप उसको कंटिन्यू जैसे मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करना आपको बताया हूँ। और जैसे पहले आपको सारे गामा बोलना है, फिर उसको आपको उसके कंटेंट के नाम बोल के करना है, सी डी एफ जी, ये जो भी स्किल कर रहे हो, ठीक है? तो कोशिश कीजिए, डेली प्रैक्टिस करें, और मुझे ऐसे स्किल निकाल के मेरे को वीडियो भेजिए, कमेंट भेजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि म्यूज़िक में बेटा, आप लोगों को थ्योरी समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूज़िक में थ्योरी ही म्यूज़िक है। यदि आपने थ्योरी किया है और आपको थ्योरी का नॉलेज है, तो ही आप म्यूज़िक में कुछ प्ले कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को रहता है हमें सिर्फ गाना सीखना है, तो गाने जैसे ऐसा कुछ कोई आपको जादू नहीं कर देगा, गाना तुरंत नहीं बनेगा। आपको जब तक ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, आप गाना प्ले ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम करेंगे डी, ठीक है? सी सी शार्प हो गया था, अब डी कैसे करना है? सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। अब हमें डी स्केल निकालना है, ठीक है? तो डी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इस नोट को छोड़ दीजिए, डी है। तो आपको हमने जैसे फॉर्मूला बताया, चलिए एक बार हम और फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। देखिए, ये होता है मेजर स्केल निकालने का फॉर्मूला। टोन टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन, ठीक है? टोन मैं समझा चुका हूँ, टोन यानी दो नोट, सेमी टोन यानी सिंगल नोट, कंटिन्यू नोट, ठीक है? अब देखिए, पहले हमें निकालना है टोन। टोन यानी डी टू ई, यानी हमें दो नोट मिल गए, डी और ई। पहला नोट टोन हो गया, अब दूसरा टोन निकालना है, तो डी टू सॉरी ई टू एफ शार्प, ठीक है? अब देखिए, दो टोन निकल गए, अब आता है सेमी टोन। सेमी टोन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कंटिन्यू, कोई गैप नहीं, जी, ठीक है? अब हमें चाहिए पहली टोन, ट्रिपल टोन है, ट्रिपल टोन यानी तीन टोन, ठीक है? अब हमें चाहिए जी, सॉरी, अब हमें चाहिए टोन। अब इस जी से ए मिला हमें एक टोन, अब दूसरी टोन निकालेंगे, इस ए से ये बी मिलेगा हमें दूसरी टोन। तीसरी टोन के लिए, अब बी से हमने बताया था सी, आप बोलोगे यहाँ नोट ख़त्म हो गए, ये ख़त्म नहीं हुए, अपन इसको लिखते नहीं है, इसको 3 सप्तक में हम इसको कंटिन्यू लिखेंगे, ठीक है? अब सी के बाद आप बैक पे आ जाइए, ये देखिए सी, सी के बाद क्या, सी शार्प। सी को हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि दो बार अगर हम यहाँ पे लिखते इसको कंटिन्यू, तो हम सी शार्प से लिखते हैं, ठीक है? सी से नहीं लिखते, क्योंकि वो डबल बार नोट रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? तो अब बी टू सी शार्प। और इससे भी याद रखिए, एक ट्रिक भी याद रखिए, मैं अभी आगे बताता हूँ आपको पहले, ठीक है? ये हो गया तीसरे नोट, अब आया सेमी टोन। अब यदि इस सी शार्प के आगे डी होता, तो हमारा क्या आ गया, डी। अब वो ट्रिक मैं ये बोल रहा हूँ, जिस नोट से आपके सरगम शुरू होती है, उसी नोट पे ख़त्म होती है, ठीक है? डी से चालू हुई थी, तो डी पे ख़त्म होगी। तो ये आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा में ऊपर डॉट, डॉट क्यों, हमने बता चुके हैं आपको, ठीक है? क्योंकि वो हायर ऑक्टेव में या तार सप्तक में हम एंटर ले रहे हैं, ठीक है?
चलिए अब आते हैं हम फोर्थ, यहाँ रूट लिखेंगे। रूट का हमने बता चुका है आपको, रूट नोट यानी स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट, आपका सरगम या आपकी स्केल किस नोट से शुरू हो रही है। डी हो गया आपका, अब आता है डी शार्प, ठीक है। देखिए सी हो गया, सी शार्प हो गया, डी हो गया, अब आया हमारा डी शार्प, ये पीछे की नोट भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम डी शार्प, टोन निकालनी है तो डी शार्प टू एफ, ये मिल गया हमें एक टोन। दूसरी टोन निकालनी है हमें, अब हमें दूसरी टोन निकालनी है, अब हम कहाँ से जाएंगे, डी शार्प टू एफ, अब एफ टू जी, ठीक है, समझ में आ रहा है। दो टोन निकल गई अपनी, अब हमें चाहिए सेमी टोन। सेमी टोन यानी सिंगल नोट, कंटिन्यू टोन, कोई गैप नहीं, यानी दो नोट के बीच में कोई एक नोट का गैप नहीं होना चाहिए, तो जी टू जी शार्प, ठीक है। अब हमें चाहिए तीन टोन की पहली टोन, तो जी शार्प से एक नोट आगे गए, एक नोट छोड़ के। अब इसमें आप यहाँ बोलोगे कि सर आपने बोला था कि एक एक्सीडेंटल नोट का गैप आता है, ठीक है, तो वो जब हम मेजर यानी जब हम सी की स्केल करते हैं उस समय ये कंडीशन आती है, ठीक है। बाकी आप करोगे तो आपके बीच में एक नेचुरल नोट्स का भी गैप आएगा, एक्सीडेंटल नोट्स का भी गैप आएगा, ठीक है। आप बस इस फॉर्मूले पे चलिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे तो उलझ जाएंगे, है ना। अब जी अपन कहाँ पहुँचे थे, जी शार्प से ए शार्प, ठीक है, पहली टोन। अब दूसरी टोन चाहिए हमको ए शार्प से सी, अब तीसरी टोन सी टू डी, अब हमें चाहिए सेमी टोन। सेमी टोन यानी कोई गैप नहीं, यानी डी के बाद कंटिन्यू डी शार्प आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सारे काम पाधनी सा ऐसे लिखते जाइएगा, लिखना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ लिखेंगे तो आपको ये याद होगा, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप बोलोगे सर सा यानी सी होता है, यहाँ सा यानी डी है, है ना। ऐसे करके आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोग जितना भी म्यूज़िक में हो आप अपने टीचर से क्वेश्चन करें, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं दिमाग में, आते हैं, लेकिन आप थोड़ा अगर समझेंगे अच्छे से तो दिमाग में क्वेश्चन भी आएंगे। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब आपको हमारी या आप जिससे भी सीखते हो उनकी कही बात दिमाग में याद रहेगी। और जैसे मैंने बोला था आपको सी यानी सा, अब यहाँ देखिए कंडीशन चेंज हो गई है, अब यहाँ पे डी यानी सा आ रहा है, वहाँ डी यानी रे था, तो यहाँ रे ई हो गए। तो ऐसे करके क्या होता है, जब हम गिटार पर या पियानो पर सरगम बजाते हैं तो हर स्केल को हम डी को सा मान के फिर उस नोट को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि देखिए गाने हर स्केल पे होते हैं। कोई यदि हम गाना गा रहे हैं, सपोज मान के चलो हमारी स्केल, हम गाना गा रहे हैं तुम ही हो, उसकी स्केल है एफ माइनर, ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल स्केल है एफ माइनर। अब किसी की वोकल उस एफ माइनर तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है, अब उससे नीचे गाना चाहता है, तो हम एक नोट कहते हैं एक नोट नीचे से गाएंगे, एक नोट यानी एक सुर नीचे से गाएंगे। तो जिस सुर से हम गाना शुरू करेंगे वो उस सुर का, उस गाने का सा कहलाएगा, ठीक है, और समझ में आई बात। यानी ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि सा यानी सी ही होता है, ठीक है। जब हम स्केल बदल बदल के पियानो पर या गिटार पर सरगम प्ले करते हैं तो जिस जगह से भी हम प्ले कर रहे हैं उस जगह को हम सा मानकर ही कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, उस नोट को हम सा मानकर इस फार्मूले को मेंशन करेंगे उस जगह, और इस फार्मूले के हिसाब से मेंशन करते जाएंगे, तो हमें जैसे डी का सा हो गया, ऐसे हम जब डी शार्प से करेंगे तो वो सा डी शार्प हो जाएगा, ठीक है। और तब भी ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ये हो गया, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ नोट ई, इसको मार्क कर लिया अपन ने, ठीक है। अब देखिए ई कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, आर लिखना है, ई लिखना है, ठीक है।
अब देखिए ई टोन निकालनी है, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से, समझिए, बनेगा, सब बनेगा, इतना भी टफ नहीं है। अब ई से एक नोट छोड़ दूसरा नोट, ई के बाद हमें एक टोन क्या मिली, एफ शार्प, ठीक है, एक टोन हो गई। अब दूसरी टोन एफ शार्प टू जी शार्प, बस एक एक नोट छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, इसको मेंशन करते रहिएगा फॉर्मूले को, है ना, और जब रट जाएगा, याद हो जाएगा, तो फिर आपको बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से आप डायरेक्ट ये हाफ सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आपको ये नोट लर्न हो जाएंगे और आप फटाफट खुद ही से ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हमें एक टोन मिल गई, अब चाहिए हमें सेमी टोन, जी शार्प, कोई गैप नहीं, जी शार्प के बाद ए आता है तो तुरंत हम ए लिख देंगे, ठीक है। अब पहली टोन ए से बी, एक नोट छोड़ के, ठीक है, दूसरी टोन बी से ही चालू होगी, एक नोट छोड़ दूसरा नोट, ठीक है। चलिए अभी अपना बी से सी तक निकल गया, ठीक है। अब तीसरी टोन हमें चाहिए सी शार्प से, अब देखिए डी के आगे, आप बोलोगे कुछ नहीं है, डी के आगे क्या आता है, आप यहां से देखिएगा, ठीक है, अपन को वो नोट देखना है जो एंडिंग नोट है। अब हमें डी से चाहिए, तीसरी टोन चाहिए, अब डी को हमें यहां देखना है, ठीक है, अब डी से आगे क्या होता है एफ, ठीक है, पहले से हम डी को मेंशन करें, तीसरी टोन, ठीक है। अब देखिए ये डी से ये तीसरी टोन हमें मिल गई सी शार्प, सी शार्प से ये डी शार्प, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो देखिए आपकी ये स्केल भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, डी मैं आप कहाँ था, थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया, चलिए दोस्तों ये हो गए सी, लास्ट हमने टोन निकाले थे, है ना, सी शार्प टू डी शार्प और फिर सेमी टोन, ये रिपीट हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ई रिपीट हो जाता है, तो ये ई पे यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन एफ, अब एफ को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, अब एफ मार्क किए, अब हमें चाहिए पहली टोन, ठीक है। अब एफ से हम टोन निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए, अब टोन से हम एफ से एक एक नोट आगे बढ़ेंगे, एफ टू जी शार्प एक टोन, ठीक है। दूसरी टोन निकालने के लिए हम जी शार्प से एक नोट छोड़ के आगे बढ़ेंगे ए शार्प, ठीक है। अब आ गया सेमी टोन, सेमी टोन में क्या हमने बताया, एक नोट डायरेक्ट, कोई गैप नहीं, तो ए शार्प के बाद आ जाएगा बी। अब तीन टोन में से पहली टोन निकालना है बी से सी शार्प, एक नोट को छोड़ते जाइए आप, ठीक है। फिर दूसरी टोन निकालेंगे सी शार्प से, देखिए सी शार्प का एक नोट छोड़ेंगे अगर हम ये, तो क्या आएगा डी शार्प, ठीक है, कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, अगर हम डी के आगे कंटिन्यू नोट लिखते तो यहाँ पर हम लिखते डी शार्प, ओके, ये सी शार्प से डी शार्प हो गया। अब दूसरी टोन निकालेंगे डी शार्प से एक नोट छोड़ के दूसरा एफ, ठीक है। तीसरी टोन निकालेंगे एफ से जी, ठीक है, सेमी टोन जी शार्प से, कहाँ गए तुम, जी से ना, कहाँ पहुँचे थे, सी शार्प से हमने निकाले डी, ओके, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो देखिए एफ टू, एफ में ही ख़त्म हुआ नोट, ठीक है, सी शार्प से हम डी शार्प गए, देखिए सी शार्प से हम लास्ट टोन डी शार्प गए, ठीक है, याली टोन, ठीक है, सेकेंड टोन में डी शार्प गए, फिर डी शार्प से लास्ट टोन हम डी शार्प से एफ गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ठीक है, हम इसको फिर से निकाल रहे हैं, अपन कहाँ पहुँचे थे, एफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एफ पहली टोन निकालना है हमको, ठीक है, एफ से जी हमें मिली एक टोन, ठीक है, दूसरी टोन जी से ए ये मिली हमें दूसरी टोन, अब आया सेमी टोन, ठीक है, ए से ए शार्प हमें मिली सेमी टोन, ठीक है।
अब ए शार्प से हमें टोन चाहिए, याली टोन चाहिए, ठीक है। ए शार्प से सी हमें मिली पहली टोन, फिर दूसरी टोन सी से डी, ठीक है, तीसरी टोन डी से ई, ठीक है। अब सेमी टोन ई टू एफ, करेक्ट है, एफ से एफ नोट खत्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रिपीट हो गया, ठीक है। सेवंथ, यहाँ लिखेंगे आर, एफ के बाद क्या आता है, एफ शार्प, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ शार्प, ठीक है, एफ शार्प में इसको मार्क करेंगे, टोन निकालेंगे, पहला एक नोट लिखे जो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एफ शार्प टू जी शार्प पहली टोन, ठीक है, दूसरी टोन जी शार्प से ए शार्प, एक नोट को छोड़ेंगे, ठीक है। अब आया सेमी टोन, अब ए शार्प के बाद डायरेक्ट कौन सा नोट है, बी, यानी सेमी टोन का बोला कोई गैप नहीं, ठीक है, बी। अब पहली टोन बी से सी शार्प, एक नोट छोड़ के, ठीक है, दूसरी टोन सी शार्प से डी शार्प, देखो सी शार्प के बाद क्या आता है, डी शार्प, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, आप बोलो सी शार्प का डी था, अब देखो डी यहाँ के कहाँ रिपीट हुआ, यहाँ के रिपीट हुआ, अब डी के बाद यानी सी शार्प के बाद कौन सा नोट आ रहा है, देखो डी आया, सी शार्प के बाद डी आया, आया, और उसके बाद हम एक नोट छोड़े डी शार्प पे आ गए, आ गए। तीसरी टोन डी शार्प से एफ, ए डी शार्प से एफ, ठीक है। अब सेमी टोन एफ से एफ शार्प, ये मिल गए हमें 7 नोट, ठीक है। एट्थ, यहाँ लिखेंगे, चलिए आगे बढ़े। अब जी से हमें निकालनी है स्केल, ठीक है, जी की स्केल, जी को मार्क कर लें, ठीक है। अब देखिए जी से आगे बढ़ेंगे टोन, जी से एक नोट छोड़ के आगे बढ़े, क्या है, ए, एक टोन निकल आई, अब दूसरी टोन निकालना है, दूसरी टोन ए से ही हम आगे बढ़ेंगे एक नोट छोड़ के बी, ये हमें दूसरी टोन मिल गई। अब सेमी टोन, सेमी टोन का मतलब होता है कोई गैप नहीं, यानी बी के बाद कोई नोट का गैप नहीं छोड़ना है, बी के बाद जस्ट इसके बाद क्या है, सी, ठीक है। अब फर्स्ट टोन सी के बाद एक नोट छोड़ के डी, ठीक है, दूसरी टोन डी के बाद, देखो यहाँ डी से यहाँ आप आ जाओ, डी के बाद क्या है, एक नोट छोड़ के ई, ठीक है, तीसरी टोन ई के बाद एक नोट छोड़ के क्या है, एफ शार्प। अब सेमी टोन एफ शार्प के बाद जस्ट बात क्या है, जी, तो देखिए जी से जी पे ख़त्म हुआ, सॉरी, देखिए जी से जी पे ख़त्म हुआ, ठीक है, देखिए एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा वापसी पीछे हो गए थे, जी निकालना है हमें, जी निकालना है, पहले टोन निकाले जी से एक टोन जी टू ए, एक नोट छोड़ के ए आया, दूसरी टोन निकालना है हमें, ये दूसरी टोन निकालना है हमें, ए से दूसरी टोन एक नोट छोड़ के आई बी, ये बी आ गई। अब आता है सेमी टोन, सेमी टोन यानी बी से के बाद कंटिन्यू एक टोन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब बी के बाद सेमी टोन आ गया, बी के तुरंत बाद सी, ये देखिए आ गया। अब टोन सी से हमें एक टोन चाहिए, यानी एक नोट छोड़ के ये तीसरा नोट, ये डी आ गया, ठीक है, दूसरी टोन डी से ले, अब ये डी छोड़ के आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, तो यहाँ इस डी के आगे देखो आप, ठीक है, दूसरी टोन डी के बाद ई, ये लिख दिया अपन ने, तीसरी टोन ई के बाद एक नोट छोड़ के तीसरा नोट एफ शार्प आ गया, सेमी टोन जी के तुरंत बाद, सॉरी एफ शार्प के तुरंत बाद जी, डन। अब आते हैं नाइन्थ, नाइन्थ रूट नोट लिखे क्या, जी शार्प, ठीक है। अब देखिए जी शार्प
पहली टोन, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा है, दिख रहा है। चलिए अब जी शार्प पहली टोन निकालना है, जी शार्प से ए शार्प एक टोन हो गई, अब ए शार्प से दूसरी टोन, ए शार्प से सी दूसरी टोन हो गई, अब टोन के बाद सेमी टोन, सी के तुरंत बाद कौन सा नोट आ रहा है, सी शार्प, तो सी के तुरंत बाद आ जाएगा सी शार्प, ठीक है। अब देखिए सी शार्प के बाद अब हमें निकालना है टोन, सी शार्प के बाद क्या आता है, यहाँ से देखिए सी शार्प के बाद आता है डी शार्प, ठीक है। दूसरी टोन डी शार्प के बाद एक नोट छोड़ के आ गए हम एफ, तीसरी टोन एफ से एक नोट छोड़ के आए हम जी, उसके बाद आता है सेमी टोन, जी के बाद तुरंत क्या है जी शार्प, तो देखिए जी शार्प से जी शार्प एक नोट खत्म हो गया। अब आती है टेंथ ए, ठीक है, आज मैंने आपको पूरे नोट निकाल के दिखा दिया, बस आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम लिख लेंगे यहाँ ए, ठीक है, ए को हमने पॉइंट माना, टोन निकालनी है, ठीक है। अब ए से बी एक नोट छोड़ के हो गई पहली टोन, ठीक है। दूसरी टोन बी को पॉइंट मानो, यानी आपका रूट मानो, अब बी से दूसरी टोन निकालना है, बी से सी शार्प, ये हो गई दूसरी टोन, ठीक है। अब सी शार्प टोन के बाद आता है सेमी टोन, सेमी टोन सी शार्प के बाद क्या आता है तुरंत डी, ये आ गए, ठीक है। अब पहली टोन ट्रिपल टोन की पहली टोन निकालना है डी के बाद, यहां से देखो डी के बाद क्या आता है एक नोट छोड़ के ई, दूसरी टोन निकालना है ई को रूट मानो, ई के बाद दूसरा नोट क्या आता है, यानी एक टोन को छोड़ के तीसरा टोन एफ शार्प, ठीक है। अब तीसरी टोन एफ शार्प से एक नोट छोड़ के जी शार्प, अब आ जाता है सेमी टोन, ठीक है। जी शार्प के जस्ट बाद कौन सा नोट आता है ए, जस्ट बाद यानी कोई गैप नहीं, तुरंत हम इसको इसके बाद लिख देंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट ए शार्प, ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे, डन। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन, ए शार्प, ए शार्प से पहली टोन, ए शार्प को रूट नोट मान के एक नोट छोड़ के दूसरा नोट हमें क्या मिल जाएगा सी, ठीक है। अब सी को रूट नोट मान के दूसरा टोन निकालेंगे, सी के बाद एक नोट छोड़ के हमें तीसरा नोट क्या मिल जाएगा डी, ठीक है। अब सेमी टोन डी के बाद तुरंत क्या आता है डी शार्प, डन। अब ट्रिपल टोन का पहला टोन, हमें डी शार्प से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब डी शार्प से हम आगे बढ़ेंगे तो डी शार्प को रूट नोट मान के इसका नेक्स्ट रूट हमें नोट क्या मिलेगा एफ, ठीक है। सेकेंड टोन एफ को रूट नोट मान के हम आगे बढ़ेंगे एक नोट छोड़ के तो क्या मिलेगा जी, ठीक है। तीसरा टोन अब जी को रूट नोट मान के हम एक नोट छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें ए। अब सेमी टोन यानी ए के जस्ट बाद दूसरा जो नोट आता है बिना गैप किए ए शार्प, ये मिल गए हमें सात नोट। लास्ट ट्वेल्थ नोट आपका बी, बी को रूट मानेंगे अब हम, ठीक है। अब बी को रूट नोट मान के पहली टोन निकालना है तो बी से सी शार्प हमें मिल गई पहली टोन, सी शार्प को रूट नोट मानेंगे हम दूसरी टोन निकालेंगे, सी शार्प के बाद क्या आता है डी शार्प, डी शार्प के बाद आता है अब सेमी टोन, यानी दो टोन निकल गई अब आता है सेमी टोन, ठीक है। तो डी शार्प के तुरंत बाद क्या आता है ई, यानी कोई गैप नहीं, ठीक है। ट्रिपल टोन का पहला टोन निकालेंगे हम, ई को रूट नोट मान के एक नोट छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें एफ शार्प, दूसरी टोन निकालेंगे हम एफ शार्प को रूट नोट मानेंगे, रूट नोट यानी स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट, एफ के बाद एक नोट छोड़ के हमें क्या मिलेगा जी शार्प।
तीसरी टोन हम जी शार्प को रूट नोट मान के निकालेंगे, तो जी शार्प के बाद एक नोट छोड़ के क्या आएगा, ए शार्प। अब सेमी टोन, ए शार्प के जस्ट बाद क्या आता है, बी। ये देखिए फ्रेंड, ये आपके पूरे 12 नोट्स क्रोमेटिक स्केल के इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिए। अब आपको करना ये है, सबसे पहले लिखना है क्रोमेटिक स्केल, फिर लिखना है फॉर्मूला, फिर आप नंबर 1 आर रूट नोट सी लिख के पूरे नोट की ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए अपने पियानो पर, गिटार पर इसको जब प्ले करें तो इसको पहले सा रे गा मा पा धा नी सा बोलो, फिर जहाँ बजा रहे हो उसको ध्यान से देखते हुए एक एक नोट को नाम लेके उसका बोल के आपको आगे बढ़ना है। डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी, इसको कंटिन्यू करना है। और ऐसा नहीं कि आज करके छोड़ दिए, कल करके छोड़ दिए, एक महीना करके छोड़, इसको जब आप डेली 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 रूटीन में ऐसे करोगे तो ये आपको रट जाएगा। यानी हम आपसे कभी भी पूछेंगे कि हाँ ये आप एफ शार्प की नोट बोलिए, तो आप फटाफट बता दोगे बिना ये सब लिखे, मुंह जवानी आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, जब आपको ये स्केल याद हो जाती है पूरी, तब आप गिटार या पियानो पर कोई भी गाना किसी भी स्केल से प्ले कर सकते हो। गाना यानी टैब जो होते हैं ना, आप कहीं से भी टैब निकाल सकते हो, कहीं से भी कॉर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। और थ्योरी देखिए, थ्योरी एक ही होती है। अब मैं जैसे मैंने आपको थंबनेल में लिखा हूँ पियानो ट्यूटोरियल वीडियो, पियानो मेजर स्केल फार्मूला, तो अभी पियानो पे कर रहे हैं इसलिए पियानो पे मैंने लिखा है, ठीक है, पियानो का मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। थ्योरी एक ही होती है, वो आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए, गिटार, वायलिन, पियानो, हारमोनियम, मैंने इस टाइप के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं ये मेलोडी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ड्रम, तबला, ढोलक, क्लैप बॉक्स या जितने भी बेस वाले इंस्ट्रूमेंट हैं ये बेस इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है, ये रिदम इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो उसकी थ्योरी बीट में होती है, ताल में होती है, ठीक है, और इसकी थ्योरी जो होती है ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, बस पैटर्न बदल जाता है बजाने का। ये आप पियानो पे बजाओगे उसके अलग तरीके से, गिटार पे अलग तरीके से, ठीक है। और ये याद होंगे तो आप टैब निकाल सकते हो, गाना सुन के आप, आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस स्केल का गाना है, आप उसको अपने गिटार या पियानो पे उसको तुरंत आप बजा सकते हो। बाकी और मैं धीरे धीरे आगे बताता चाहूँगा आपको, आप इतना कीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, या फिर वीडियो ही नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, पूछिए, और मैं फिर से यही बोलूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, एज अ बिगनर हैं, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी सवाल हो कमेंट करें, और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपके जैसे और भी कोई हों तो उनको सीखने में हेल्प मिले। तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।